जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पर चर्चा करेंगे। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य एतात्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु स्त्रुत्वे वर्तेतात्मेव स्त्रुवत। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं को सबसे अच्छा मित्र की तरह बना लेता है, लेकिन अगर कोई अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वही मन उसकी प्रकृति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें संदेश देना चाहते हैं, ध्यान भक्ति और आत्मसंयम के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक मित्र बना सकते हैं जो हमें सर्वोच्च मुक्ति की तरफ ले जाता है। चितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानः। जिसने अपने मन को जीत लिया और जो शांति में स्थित है उसके लिए परमात्मा स्थिर रहता है, वह गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान से के द्वंद्वों में एक ही भाव रखता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन को इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वह शांति और स्थिरता की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की उपस्थिति में स्थित रहता है और उसे बाहरी परिस्थितियों जैसे गर्मी सर्दी सुख दुख या मान अपमान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान विज्ञान त्रिपात्मा कुटास्थ को विजयत इंद्रिया युक्ता इति उच्यते योगी स्मा लोष्ट्रास्मा कांचन। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से प्रीतित हो चुका है, जो स्थिरता में स्थित है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे योगी कहा जाता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तविक ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर लिया वह स्थित और संतुलित होता है। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है इसलिए उसे किसी भी भारी वस्तु में अंतर नहीं दिखता। मिट्टी पत्थर और सोना उसके लिए समान है। इस प्रकार का योगी भगवान की शरण में स्थिर रहता है और बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। सूरन मित्रारी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वापि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। जो व्यक्ति मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु सज्जन और पापी सभी के प्रति समान बुद्धि रखता है वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। ऐसे योगी का यह भाव सभी के प्रति प्रेम और समानता की दृष्टि का प्रतीक है जो उसे सच्चे ध्यान और योग की ओर ले जाता है। योगी उज्जितास्तत् आत्मानं रहसिस्थित एकाकी यत् चितात्मा निरासीत् परिग्रह। योगी को एकांत में स्थित होकर निरंतर अपने मन को नियंत्रित करते हुए ध्यान में लगाना चाहिए। उसे अकेलापन होना चाहिए। उसने अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए और भौतिक वस्त्रों का संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात सच्चे योगी को अकेले में ध्यान करना चाहिए जहाँ कोई बाधा न हो, किसी भी प्रकार का आशा या इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस तरह का एकांत ध्यान और साधना उसे अपनी आत्मा और परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है जो उसे पूर्ण शांति और आत्मिकता की तरफ ले जाता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।